बहुत आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे शाउट बिल्कुल मत होइएगा। जैसा कि आपको पता है ध्वनि का बर्थडे आने वाला है, मुझे साड़ी पसंद है और मैं साड़ी लेने वाली हूँ। साड़ी? और पापा आपको तो सही झूला लग गया। साल में 11 मतलब 24 महीने में 11 मतलब हर 2 महीने के लिए एक। वाह ग्रेट है मम्मी तो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, नए दिन की शुरुआत हो गई है एंड मैंने बच्चों को ड्रॉप कर दिया है स्कूल। बच्चे इतना फन कर रहे हैं स्कूल में, उनको बहुत मजा आ रहा है, बट मेरी रेल बनी पड़ी है सुबह सुबह उनके लिए। तुम्हारी नहीं, मेरी भी रेल बनी हुई है स्कूल से जल्दी उठाती है मेरे को। आज तो मैं आपको बताती हूँ, आज सबसे अच्छा काम हुआ है लाइफ का मेरे। आज पापा ने बच्चों को फ्रूट्स कट करके रखे है क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था। आज मैंने पोटैटो बॉइल किया एंड वो फट गए, फिर दोबारा से बॉइल करना पड़ा मुझे ना। तो चलो आज देखते हैं, आज बहुत मजा आने वाला है, फिर से नए दिन की शुरुआत। फ्रेंड्स अब कमेंट करके बताओ कि किस किस के पापा सुबह ब्रेकफास्ट में मम्मी की हेल्प करते हैं। करनी चाहिए, नहीं करते तो उन्हें बोलो थोड़ी सी मम्मा की हेल्प कर दे। तो फ्रेंड्स पापा भी चले गए हैं ऑफिस और बच्चे चले गए हैं स्कूल और मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा खेलने। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी डस्टिंग कर लूं। पीछे का बच्चों का रूम बहुत मैसी हो रहा है तो उसको भी क्लीन कर लेती हूं। तो चलो वही कर लेती हूं सारा काम। तो पहले यहां की डस्टिंग कर लूं। बहुत गंदा कर रखा है इन बच्चों ने, अपने हाथ की डस्टिंग अपने हाथ की अरे बाप रे, इतना सारा सामान यहाँ फैला पड़ा है। ये प्रेस के कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये प्रेस में भेजो बांध के। इतनी थकान हो रही है ना, सुबह बच्चे 5:30 बजे बच्चों के लिए उठ के लंच बनाओ। पता है आपको आज क्या हुआ? आज ये हुआ, कल धोनी ने बोला मैं वाटर मिलन लेके जाऊंगी, बट सुबह उसने बोला मुझे एप्पल चाहिए और एप्पल फिनिश हो गया था, घर में एप्पल नहीं था। मैंने सुबह सुबह सब्जी वाले भैया को फोन किया 6:30 बजे, भैया प्लीज एप्पल भेज दो। तो सब्जी वाले भैया कहते मैडम दुकान पे तो पहुंच जाओ। मैंने कहा नहीं, आप बिना दुकान पे पहुंचे पीछे से भेज दो, बट वो अच्छे हैं भैया, उन्होंने मुझे भेज दिए एप्पल। अदरवाइज वो स्कूल नहीं जाती और रोती रहती मुझे स्कूल नहीं जाना स्कूल नहीं जाना। सुबह कह भी रही थी मुझे स्कूल नहीं जा रहा, मुझे नींद आ रही है। 2 दिन हुए नहीं है स्कूल गए हुए और बच्चों को नींद आनी शुरू हो गई। बट ठीक है, ये तो अभी धीरे धीरे एडजस्टमेंट होगी। तो ये सब पेरेंट्स को, टीचर को और बच्चों को तीनों मिलके कोऑपरेट करना पड़ेगा। एंड पेरेंट्स, मेरी बहुत आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों पे शाउट बिल्कुल मत होइएगा, क्योंकि वो 2 इयर्स बाद स्कूल जा रहे हैं। उन्हें कम्फर्ट जोन से निकाल के हमने स्कूल भेजा है, तो बिल्कुल हाइपर मोड में आके उन्हें स्कूल नहीं भेजना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्यार से समझा के प्यार से उन्हें स्कूल भेजना। तो चलो मैं अपना काम कर लेती हूँ। हाँ तो एशना जी, चलना नहीं है क्या बच्चों को स्कूल लेने? चलना है, खाना बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने ध्वनि की फेवरेट भिंडी बनाई, जीनी का फेवरेट रायता बनाया एंड पापा को उसका उनका फेवरेट पापड़ तल के दे दूंगी। ठीक है पापा? ठीक है मम्मी जी, लेकिन चलें? चल रहे हैं। 1 मिनट में वाटरमेलन और ले चलो ध्वनि के लिए। वाटरमेलन ले चलो और एक वाटर बॉटल ले चलो ठंडी ठंडी पानी के लिए। ठंडी ठंडी पानी के लिए आईडी कार्ड रख लेना। आईडी कार्ड? अरे हाँ आईडी कार्ड रख लेंगे। तो जल्दी मैं आईडी कार्ड रखता हूँ, चलो मेरे से गाड़ी में मिलो। ठीक है? A few hours later. तो फ्रेंड बच्चे आ गए हैं स्कूल से और कर रहे हैं अपना लंच। जिन्हें आप क्या खा रहे हो? मैं खा रही हूँ कचौड़ी जो मैंने मंगाई है। अरे तेरी तो लेकिन फेवरेट रायता बनाया था मम्मी ने, क्या हुआ? कभी और पी लूंगी। ध्वनि आपका क्या सीन है, आप क्या खा रहे हो? पर तेरी फेवरेट तो भिंडी थी। अब नहीं लगती और मम्मी को पता ही नहीं था। बताओ कि मम्मी की फेवरेट भिंडी नहीं है। चलो मम्मी के पास चलते हैं। इतना कैसा लगा तुम्हें भिंडी बना के? एक बात बताओ, अगर आपको कचौड़ी मंगानी थी तो आप पहले नहीं बोल सकते थे? अरे मुझे कचौड़ी नहीं मंगानी थी, वो ऑफिस के स्टाफ ने कहा सर आज कचौड़ी मंगा लो। तो मैंने कहा अगर ऑफिस के लिए मंगा रहा हूँ तो मैं घर के लिए क्यों ना मंगा लूँ? तो फिर बता तो देते ना एटलीस्ट की कचौड़ी मंगा रही हो, मैं खाना क्यों बनाती फिर? चलो एक बात बताओ कि तुम कचौड़ी खाओगी या भिंडी की सब्जी? मैं अभी तो खाऊंगी भिंडी की सब्जी एंड रायता, देन इवनिंग में खाऊंगी कचौड़ी। चलो ठीक है जी, और मैं तो खाऊंगा कचौड़ी, यम्मी यम्मी कचौड़ी। मुझसे खा के आप हो जाओगे कचौड़े। बहुत हंस रहे हो तुम लोग, हैं ये कोई तरीका है तुम्हारा?
जीनी चल तू बता दे तेरा स्कूल का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत थक गई हूँ, बहुत अच्छा रहा, अच्छा। और ध्वनि आपका क्या सीन है? बहुत अच्छा। अच्छा ध्वनि, आज क्लास में एसी चला नहीं चला? आज एसी चला तो चल तो बेटा, एसी कहाँ से चला और कहाँ तक पहुँचा? देखो मान लो कि ये विंडो है। मतलब मान ली हमने विंडो है, ये छतरियाँ विंडो है, और यहाँ पे एसी लगा, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, तो वो चल के ध्वनि के पास आ गया। और मेरी सीट यहाँ पे है। ठीक है ठीक है, यहाँ सीट वाले बच्चों को ही हवा दे रहा है, दूसरे सीट वाले बच्चों को हवा। अब तो आपके पास आ रही है ना? अब तो आ रही है, पर बस स्कूल में नहीं आए थे, स्कूल में पंखे से ही काम चलाना पड़ता। अच्छा तो चलो फटाफट लंच करो, फिर हम लोग कोई मूवी देखेंगे आज। तो फ्रेंड्स, बच्चों को खाना वाना खिला के अब हम दोनों जा रहे हैं शॉपिंग पे। जैसा कि आपको पता है, ध्वनि का बर्थडे आने वाला है, तो एक एक करके अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी भी तो जरूरी है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने स्लीपर्स लेने, क्योंकि मेरा स्लीपर्स का साइज इजीली नहीं मिलता, मेरा इतू सा पैर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं कृष्णा नगर, और गर्मी इतनी है कि हम क्या बताएं आपको, सच में बहुत गर्मी है। बट जाना है, धीरे धीरे कंप्लीट करनी है शॉपिंग, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है। अब चलो स्टार्ट करते हैं शॉपिंग थोड़ी थोड़ी। बच्चों को मैं सुलाया हूँ घर पे, वो आराम कर रहे हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मम्मी कर रही है अपनी चॉकलेट ट्राई। कुछ समझ में आ रहा है इसका? नहीं, अभी नहीं आया कुछ भी समझ में। फ्रेंड देखो, कितनी सारी चप्पलें निकाल रखी है, और फिर मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है। भैया कोई बढ़िया चप्पल दिखा दो इनके लिए। आपके पुरानी कस्टमर अभी दिए थे लास्ट मंथ। ये कैसी लगी इसना? ठीक है, लेकिन मेरे को पार्टी के अकॉर्डिंग है, वैसे ले लूंगी एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में मतलब बहुत महंगी महंगी चप्पलें होती है यहाँ पे। इतना कुछ तो ले रहे हो, इतना टाइम मत वेस्ट करो, अभी तो बहुत सारा सामान लेना है हमें। अरे यार चूज तो करने दो, 2 मिनट टाइम लगेगा तो। हां देखो भैया भी कह रहे हैं। भैया आप तो कह रहे हो 2 मिनट, मेरी यहां बैंड बजी रहती है। घर से वापस आने के बगैर 2 मिनट फालतू लगा लो आप। भैया तुम्हारा साथ दे रहे हैं, बहुत गलत बात है। मुझे पता है, मैं उनकी रेगुलर कस्टमर। पता है लेडीज काम करवा नहीं कर सकते, कोर्स बिल्कुल भी फैमिली देख रहे हैं बेटा। एक भाई भैया ये कर तो दोगे टाइट बाद में, लूज हो गया तो? टेंशन मत लो, बिल्कुल भी कर देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा लग रहा है। 22 इयर्स ओल्ड शॉप है दीदी, कभी भी गलत साल। भैया मैं शादी से पहले शॉप से आ रही हूं, मेरी शादी को 13 साल हो गए, आपने लगा लो। इतना तो बंदा कसर खुद हक से के अंकल बैठते थे यहाँ पे, भैया भी बैठते थे, अंकल बैठते थे। इसना क्या क्या ले रही हो तुम? ये देखो कितनी सारी चप्पलें हैं। इसना इनमें से कौन सी पसंद आई तुम्हें? मुझे सारी पसंद है, और मैं सारी लेने वाली हूँ। सारी? हाँ, और अभी इसका भी पेयर निकालो भैया, ये भी अच्छा। काउंट करके बताना कितनी ले रही हो तुम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसने लगता है तुम आज तो मेरी जेब कटवाओगी। इसने एक बार बताओ, बर्थडे तो एक ही दिन है, और उसमें एक ही तरह की चप्पल पहनोगी? लेकर नहीं आओगे तो मुझे अपना कोटा पूरा करना है। मतलब व्यूअर्स के सामने मतलब ऐसी बेइज्जती? बेइज्जती की बात नहीं है, दूर पड़ता है ना, तो मुझे पता है लाओगे। गलत बात, जल्दी जल्दी पैक कराते हैं। बच्चों आप बताओ गलत बात है? नहीं है ना, अच्छी बात है ना, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ अच्छी बात है कि आंटी आप लोगों का भी अपने लिए भी शॉपिंग किया करो। मैं करती हूँ अपने लिए शॉपिंग? नहीं, ये बात तो गलत है इसना तुम्हारी। इसना तुम जब से आई हो तब से इन चप्पलों और सैंडल्स में लगी हुई हो, क्या चक्कर है ये? इतनी स्वीट है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है यार। अरे यार ये कोई तरीका थोड़ना है। अरे मम्मी। हाँ बेटा। सैंडल्स ले आया? हाँ ले आया। कितनी लाए हो? मैं ये ले, मैं लाई हूँ 11 पेयर। 11? ये
पापा आपको तो सही झूला लग गया। अब मैं क्या करूं, मैंने तो लगता है जाके गलती कर दी। देखो कितने सारे सैंडल स्लीपर्स पता नहीं क्या क्या ले आई है तेरी मम्मी, मुझे तो आज फंसा दिया। कोई नहीं, कभी कभी चलता है जिन्हें, जब तुम लोग इतनी शॉपिंग कर कर आते हो तब तो नहीं बोलते। जिन्हें एक बात बता, तू लास्ट 11 चप्पलें एक साथ कब लाई थी? मैं बताती हूं ना, ये क्या बताएगी। अभी लास्ट टू लास्ट मंथ आपने इसके सारे ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, लेकिन वो भी 11 नहीं होंगे, वो भी 4-5 ही थे। हाँ 4-5 ही थे। हर महीने कुछ ना कुछ आता रहता है यार, मेरा तो मिलता ही नहीं है कुछ भी साइज यहाँ पे। आपको पता है 2 साल में एक बार जाती हूँ उसकी शॉप पे, फिर जब लेकर आऊंगी तो पूरा लॉट लेकर आऊंगी ना। 2 साल में 11 मतलब 24 महीने में 11 मतलब हर 2 महीने के लिए एक। वाह ग्रेट है मम्मी तो। अच्छा मम्मी, वैसे ना आपको ध्वनि बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं भी इसी के बारे में पूछने वाली थी। इतने फोन किए और आप बिजी शॉपिंग में आप फोन ही फोन उठा रही थी, ऐसी बात नहीं, झूठ मत बोल। बिल्कुल भी फोन नहीं उठा रही, फोन क्यों उठा रही थी? जिनी इतना बड़ा झूठ नहीं बेटा। कितनी बात करी थी उससे मैंने? बहुत बात की थी। और पापा क्या पूछ रहे थे उससे? क्या? हेलो बुड्ढा घर पे है? और मैं बोल रही थी हाँ, तो पापा बोल रहे थे अच्छा तो बुड्ढी है, मेरे को आज चल गया। बोला कुछ भी बोल रहे थे। अच्छा कर क्या रही है वो? वो ऊपर टीवी देख रही है। टीवी देख रही है, चल मैं जा रही हूँ। अच्छा वैसे पापा, हम आज मूवी देख ले, बहुत दिन भी हो गए मूवी देखे, तो अगर मूवी अब तूने कहा है तो तेरी बात कैसे टाल सकते हैं। चलो कोई मूवी देखते हैं और ध्वनि को भी देखते हैं कि वो क्या कर रही है। चलो चलते हैं। उसका वो दे पहले क्या दे पहले? कवर दो पहले। हाँ मम्मी आज चप्पलों को तो ऐसे रखेंगी जैसे कोई ज्वेलरी आई है ज्वेलरी घर में। ज्वेलरी से कम महंगी नहीं होती है। तो ठीक है आगे जब तुम ज्वेलरी की मांग करोगे तो मैं बोलूंगा कि हम लोग आपको सैंडल दिलाने चलते हैं। अब वो जब करोगी तो मेरे को याद आ जाएगा। चले चलो। फ्रेंड्स अभी हम लोग देख रहे थे मूवी ड्यून्स प्राइम वीडियो पे, जो कि बहुत बढ़िया मूवी थी और एक साईफाई मूवी थी, मुझे तो देखने बहुत मजा आया। और जिनी आप बताओ आपको कैसी लगी? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी थी। और मम्मी आपका क्या रिएक्शन है? मेरा रिएक्शन सच बताऊं मुझे कुछ समझ नहीं आया आज मूवी में क्या हो रहा था, मुझे नींद आ रही थी बहुत दिल, मेरा मन कर रहा है मैं अभी भी सो जाऊं जल्दी से। और फिर ध्वनि का देखो, ध्वनि का रिएक्शन तो फ्रेंड्स वी होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो, तो जल्दी जल्दी इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।